कैमरा ही कर रहा था, देख के हंस रहा था, इसके बारे में हम लोग पूरा धक्का मारेंगे, इतना मोटा था। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी को दिल से प्रणाम, हर हर महादेव। आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं वैक्सीन लूँगा आज, और बहुत खुशी की बात है कि वैक्सीन लेना है। थोड़ा नर्वस भी हूँ कि क्योंकि कैसा उसका इफ़ेक्ट रहेगा पता नहीं, लेकिन सारा कुछ को इग्नोर करते हुए फाइनली वो लेना है। और देखिए गोपाल कृष्णा, मैं तो पहले ले चुका हूँ, ये झूठ बोल रहा है, लिया नहीं है। हम ले चुका मैं लूँगा, उसके बाद ये लेगा, ठीक है? तो उसका भी ब्लॉग आपको मिलेगा जब मैं ये लेगा, अभी फ़िलहाल मैं ही ले रहा हूँ। और देख सकते हैं कि अभी हमने मास्क लिया नहीं है, मैं वहाँ जाके मास्क लूँगा और फाइनली मैं दिखाऊँगा कि वैक्सीन लेने के बाद मुझे कैसा लग रहा है। अभी तो मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ जैसे मैं हर दिन रहता हूँ, बाकी बात देखता हूँ कि वैक्सीन लेने के बाद मुझे कैसा असर होता है। और मैं अभी मैं राइड कर रहा हूँ बाइक, देख सकते हैं कि मैं वैक्सीन लेकर लेने के बाद मैं गाड़ी चला सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ, कैसे मुझे रहेगा प्रभाव, मैं सारा बताऊँगा। प्लीज़ बने रहिए और मेरे जीवन से रिलेटेड सभी ब्लॉग इस तरह आते रहेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, जो टीकाकरण केंद्र है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और मैंने मास्क ले लिया है। अभी मैं मास्क पहन के अंदर जाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ बहुत कम है, मतलब एक दो जन अभी आते हैं तो सब तब शायद भला सुई लेने कौन आएगा। सुबह सुबह टीका हो गया सभी का, और मैं जा रहा हूँ अंदर और देखता हूँ कैसा रहेगा एक्सपीरियंस मेरा। तो वीडियो में बने रहिए। और वैक्सीन के लिए बारे में भैया सभी को लेना चाहिए ना? बिल्कुल, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन लोगों में एक अफवाह है कि वैक्सीन लेने से कोई हानि है, इससे कोई ये नहीं है, इससे बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन लेने से आप सुरक्षित हैं। वैक्सीन लेने के बाद क्या होता है, अगर आप कभी भी बाय द वर्स इन केस अगर आप मतलब कि कोविड से ग्रसित हुए या कोविड आपको हुआ, तो बस एक नॉर्मल वे से आप निकल जाएंगे, जो नॉर्मल तरीके से होता है वो सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी मतलब कि इम्यूनिटी हमारे शरीर को बना देता है जिससे कि हमारा जो सर्दी खांसी जैसे जनरल बीमारी की तरह वो हमारा इलाज से वो निकल जाए, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो आपके शरीर की क्षमता उतनी रहती नहीं कि आप कोविड को संभाल सकें, इससे आपको ज़्यादा खतरा है। इसलिए वैक्सीन लीजिए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। अगर आप कोरोना वैक्सीन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा देवघर नगर निगम वार्ड नंबर 24 वार्ड विकास केंद्र के पास, और आपको साथ में लाना होगा एक मोबाइल जिसमें आपका OTP जाएगा और एक आधार कार्ड। फाइनली गाइस मैंने वैक्सीन ले लिया है और थोड़ा सुबह है थोड़ा सा, बाकी बात सही है, कोई दिक्कत कम नहीं, और मुझे कुछ असर भी नहीं हो रहा है, जिससे जैसा मैं पैरा था वैसा ही हूँ, और मैं बाइक चला के बिल्कुल जा सकता हूँ। मैंने वैक्सीन ले लिया सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी कुछ तो मुझे फील हो ही नहीं रहा है, मुझे आज मिला को वैक्सीन मिला। पब्लिक को क्या बोलेगा, वैक्सीन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, वैक्सीन ही एक है सुरक्षा का सबसे आधार है। पूरा हंस रहा था क्योंकि कैमरा ही कर रहा था, देख के हंस रहा था, इसके बारे में हम लोग पूरा धक्का मारेंगे, इतना मोटा था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।